नमस्कार। आज 17 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर जन नायक कर्पूरी मोर्चा ने कर्पूरी जी को पुष्प अर्पित कर किया याद। वहीं पुलवामा में शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि दिया व किया याद। जन नायक कर्पूरी मोर्चा के अध्यक्ष मंटू ठाकुर ने कहा कि आज कर्पूरी जी के पुण्यतिथि पर हम लोग प्रण लिया है कि उनके बताए रास्ते पर चलने का काम करेंगे और कर्पूरी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इसके लिए मंत्री व विधायक से सांसद में इस बात को रखने के लिए भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि देश के लिए कर्पूरी जी अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज दिनांक 17 फरवरी है, स्वतंत्रता सेनानी जननायक कर्पूर ठाकुर जी का आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आज हम लोग एकजुट हुए हैं। प्रत्येक साल हम लोग हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग मनाते हैं, जयंती हो, पुण्यतिथि हो। और जहाँ तक ये जैसा आप लोगों को जानकारी होगा कि पुलवामा में जो शहीद हुए थे उन शहीदों के ही नाम से जो है आज हम लोग श्रद्धांजलि दिए इनको कि हमारा शहीद जो है, हमारा देश जवान सब सही रहेगा तो अभी हम लोग चैन से सो सकते हैं, जाग सकते हैं, वरना हम लोग को देश के प्रति जो है सजग जितना रहना चाहिए उतना नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी देश के लिए हम लोग मर मिटने का आज संकल्प हम लोग लिए हैं कि कभी भी हमारे देश में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हम सबसे पहले लड़ने के लिए आगे रहेंगे। और जहाँ तक कि कर्पूरी जी की बात रही है तो कर्पूरी जी का जो सिद्धांत था उनके सिद्धांत पर चलने का भी संकल्प आज हम लोग लिए हैं आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम में। और इनका जो है जो सपना था जो अधूरी है उनको पूरी करने के लिए हम लोग इसमें जो है जोर शोर से हम लोग लगाएंगे कि उनके अधूरी सपने को शीघ्र पूरा किया जाए और इनको भारत रत्न से सम्मानित के लिए हम लोग सदन से लेके जो है संसद तक जहां हो इनके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इनको भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। और BSL जहां तक हो BSL के से हम लोग को जो आवेदन आया है कि इनको अलॉटमेंट नहीं करेंगे, चाहे अलॉटमेंट करने के लिए केंद्र मंत्री की आवश्यकता है तो हम लोग कैबिनेट मंत्री से हम लोग बात करेंगे, हम लोग माननीय विधायक जी से बात करेंगे कि इस पर पहल करें और इनको कर्पूरी जी को मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं मंटू ठाकुर जननायक कर्पूरी मोर्चा अध्यक्ष, बाकी हमारे नई समाज के भी आए हुए हैं सभी भाई बंधु सब हैं। हम लोग सभी ठाकुर नई जाति के लोग एक संगठित होके एकजुट होके हम लोग कर्पूरी जी के पुण्यतिथि में कर्पूरी जी का पुण्यतिथि मनाएं और उनसे यह आशीर्वाद मांगे कि हम लोगों को जो है समाज के प्रति आपने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे चले, समाज के प्रति अच्छा काम करें और जो भी मंटू जी बोले कि इनको भारत के रत्न से सम्मानित करने में जो भी हम लोगों को करना पड़े हम लोग को जहाँ तक जाना पड़े जाएंगे और इनको एक भारत रत्न का सम्मान दिलाएंगे और जो भी इनके जो ये मार्गदर्शक देके गए उस रास्ते पे चलते हुए हम लोग सभी समाज के लिए देश के लिए अच्छा काम करें। क्या नाम हुआ? राजन ठाकुर।